थैंक यू स्पीकर सर, मैं संविधान का और लोकतंत्र का शुक्रगुजार हूं कि आज एक किसान का बेटा एग्रीकल्चर के डिमांड पर बोल रहा है. ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन अबाउट मेनी इनिशिएटिव्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक 100 न्यू लाइवलीहुड क्लस्टर्स, देन 10,000 एफपीओज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वाइल ऑल द आइडियाज सीम टू बी इम्प्रेसिव, द ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन नीड्स टू बी मोर फोकस्ड बिकॉज देर आर फ्यू चैलेंजेस वी आर going to face in a recent or distant future. A clear roadmap to meet these challenges is needed. Honorable Finance Minister ने अपने भाषण के दौरान food grain के बारे में self sufficiency की बात की, milk production के बारे में self sufficiency की बात की. ये जो सब उपलब्धियां UPA government के दौरान हुई है, उन उपलब्धियों को लेकर Honorable Finance Minister ने काफी boast किया. लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि टुडे आर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 260 टू 265 मिलियन टन. इन 2025 आर रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी 360 मिलियन टन. तो वी हैव टू इंक्रीज आवर फूड प्रोडक्शन बाय 100 मिलियन टन इन ओनली 5 इयर्स. डू वी हैव अ क्लियर रोड मैप टू एड्रेस दिस डिमांड? ऑनरेबल एफ एम एस स्पोकन अबाउट जीरो बजट फार्मिंग. सर, जीरो बजट फार्मिंग की अगर बात करें तो इसको सेल्फ सस्टेनिंग होने के लिए 3 से 5 साल का अवधि लग सकता है. और इस अवधि के दौरान ये जो इंक्रीजिंग डिमांड है ये कैसे पूरी की जा सकती है, इसके बारे में अगर प्रस्तावना हो तो बेहतर होगा. इस बार का बजटरी एलोकेशन इज हायर दैन बाय 57,600 करोड़, लेकिन इट इज लार्जली ड्यू टू पीएम किसान. जब क्वेश्चन आर में सुनते हैं तो हर बार हर एग्रीकल्चर के बारे में हर सवाल का जवाब उस मोड़ तक लेके जाया जाता है कि 6,000 रुपया सालाना मिलेंगे, 6,000 रुपये सालाना मिलेंगे. लेकिन दिन का 17 रुपया देकर हम किसान का सम्मान कर रहे हैं या किसान की चेष्टा कर रहे हैं? क्योंकि क्या 500 रुपये महीने में घर चलाया जाना मुमकिन है? क्या 500 रुपये महीने में खेती की सहायता मुमकिन है? आज अगर मजदूरी की बात करें, महाराष्ट्र की मजदूरी का रेट मैं अगर बताऊं तो महिला मजदूर को 200 से 300 रुपये रोजाना मजदूरी दी जाती है, पुरुष मजदूर को 500 रुपये रोजाना मजदूरी दी जा सकती है. तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम किसान का डिडिम बजाना कितना मुनासिब है. वही बात है एमएसपी की. आज 22 क्रॉप्स एमएसपी के अंडर है, लेकिन आई वुड लाइक टू रिकमेंड दैट एमएसपी शुड नॉट बी स्टेट वाइज, इट शुड बी लोकलाइज. क्योंकि मराठवाड़ा में अगर गेहूं की उपज लिया जाए या विदर्भ में जो गेहूं की उपज लिया जाए तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट इज मच मोर डिफरेंट देन द प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड फॉर द सेम क्रॉप इन वेस्टर्न महाराष्ट्र. और उसी के साथ साथ फूड ग्रेन प्रोडक्शन के चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए फूड ग्रेन की एमएसपी को 150% से 200% बढ़ाया दिया जाना चाहिए ताकि किसान इससे प्रोत्साहित होकर फूड ग्रेन की फसल उगाने की कोशिश करें. एक तरफ हम लोग बात करें 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की, देश की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे होगी, 4थे पायदान पे होगी, उसी वक्त एक शर्मनाक जो बात सामने आती है, अकेले महाराष्ट्र में 2015 से 2018 के दौरान कुल 12,021 किसानों ने खुदकुशी की है. एवरी डे 8 फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड फ्रॉम 2015 टू 2018. सर, अगर हम जाके बच्चे को बोलेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें पायदान पे, 4थे पायदान पे, मिठाई खाओ, बच्चा बोलेगा मेरा बाप वापिस लेके दो. तो एज पर माई नॉलेज अ कंप्लीट लोन वेवर वॉज इन मैनिफेस्टो ऑफ द रूलिंग पार्टी. रिसेंटली ऑनरेबल मिनिस्टर ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर स्टेटेड दैट लोन वेवर इज ऑफ नो यूज, बट एट द सेम टाइम इन महाराष्ट्र वेयर बीजेपी गवर्नमेंट इज इन पावर, देयर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इज टॉकिंग अबाउट लोन वेवर. सो बीजेपी मिनिस्टर इन सेंटर इज सेइंग लोन वेवर इज ऑफ नो यूज, वाइल द चीफ मिनिस्टर इन महाराष्ट्र who belongs to BJP says loan waiver is due. Why are these double standards? या फिर ये भी चुनावी जुमला है? तो मेरी हाथ जोड़कर सरकार से दरख्वास्त है, ये किसानों के जीवन का मसला है, इसे चुनावी जुमला ना बनाया जाए. और जिस प्रकार यूपीए गवर्नमेंट में 71,000 करोड़ की लोन वेवर दिया था, उसी धरती पर आज भी किसानों को राहत दी जाए. किसानों की आय दुगनी करने की बात की है. सर, टू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेंशन. किसानों की आय दुगनी करने की बात बोली जा रही है, लेकिन ये आय दुगनी होने के लिए कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग वैन, अर्ली ट्रांसपोर्ट टू द मार्केट,
Majors like frozen vegetables and an access to the open market are necessary. At the same time, import and export policies of the government should be in favor of the FPOs or the individual farmers. हाल ही में onion prices के बारे में देखा गया, पिछले दो साल पहले grape growers के बारे में देखा जाए, तो import और export policies should be in favor of the farmers. आगे बात आई है zero budget farming की. सर, zero budget farming एक बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन zero budget farming की एक definition होनी जरूरी है, उसका incubation period होना जरूरी है, और एक दो सिर्फ points है, सिर्फ प्लीज अलाउ मी ओनली टू पॉइंट सर. एक बहुत अहम मुद्दा है, वो फसल बीमा योजना का है. जैसा पहले सांसद भी इस पे बोल चुके हैं, मैं इस पे बताना चाहूंगा कि इस फसल बीमा योजना का जो मूल उद्देश्य था वो किसानों को राहत दिलाना था, लेकिन इस योजना से जो दिख रहा है वो खरीफ 2016 में बीमा कंपनियों का मुनाफा है 6,315 करोड़, रबी 2016-17 में मुनाफा है 885 करोड़, और खरीफ 2017 में उनका मुनाफा है 8,898 करोड़. तो इस बीमा योजना के बारे में सोचना चाहिए. और एक बहुत अहम मुद्दा जो मुझे लगता है बजट में से इसका कहीं उल्लेख नहीं हुआ, वो है एग्रो टूरिज्म के बारे में. सर, एग्रो टूरिज्म एक ऐसी बात है जिससे ग्रामीण युवाओं के रोजगार में बहुत बड़ी पैमाने पे बढ़ोतरी आ सकती है. किसानों से जुड़े जो त्योहार है, जो परंपराएं हैं, उसे अगर विश्व पटल पे लाया जाए. सर, ओनली टू मिनट्स. ये मेरे चुनाव क्षेत्र का बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि विश्व पटल पे अगर इन त्योहारों को लाया जाए तो इससे टूरिज्म की में बहुत बड़ी मात्रा पे बढ़ोतरी हो सकती है. इसमें से एक बहुत अहम मुद्दा है बैलगाड़ा, जो बुलेट कार्ट रेस के बारे में हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए जो बैल इस्तेमाल होते हैं, ये खिलार बैलों की पैदाइश ड्राउट अफेक्टेड एरियाज में होती है, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में बेचे जाते हैं, और इससे न कि सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है. अंत में इतना ही बोलूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कहा था, शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठाला सुद्धा हात लावू नका, उस प्रकार की व्यवस्था, उस प्रकार के प्रावधान सरकार से हम अपेक्षा करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू.